आजकल इंटरनेट पर फिजेट स्पिनर का ट्रेंड चल रहा है। इस फिजेट स्पिनर का इतना डिमांड बढ़ गया कि मार्केट में इसका स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो रहा है और अमेज़न के टॉप 20 टॉय सेलिंग लिस्ट में भी आ गया है। लास्ट मंथ मई में इतना डिमांड बढ़ गया था कि चाइना के फैक्ट्रीज ने फ़ोन बनाना छोड़कर फिजेट स्पिनर बनाना शुरू किया। तो इस फिजेट स्पिनर को किसने आविष्कार किया? विकिपीडिया ने कैथरीन हेटिंगर को फिजेट स्पिनर का आविष्कारक बताया है। इस आविष्कार की कहानी 1990s में शुरू होती है। उस वक्त कैथरीन हेटिंगर को मायास्थेनिया ग्राविस नामी मसल वीकनेस की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से अपनी बेटी से खिलौनों के साथ खेल नहीं पाती। अपनी बेटी को एंटरटेन करने के लिए एक खिलौना बनाना शुरू किया। कुछ नाकाम कोशिशों के बाद एक मिनी UFO जैसा खिलौना बनाया गया, जिसे कैथरीन ने 1993 में स्पिनिंग टॉय के नाम से पेटेंट दर्ज करवाया, जिसका अप्रूवल 1997 में मिला था। कैथरीन ने इस स्पिनिंग टॉय को बनाकर आर्ट फेयर्स में बेचना शुरू किया और हैसब्रो नामी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना आविष्कार के बारे में बताया, लेकिन हैसब्रो ने इस स्पिनिंग टॉय को बनाने से मना कर दिया। वक्त के साथ कैथरीन का पेटेंट 2005 में एक्सपायर हो गया, क्योंकि हर इन्वेंटर को अपना पेटेंट बचा के रखने के लिए रिन्यूअल करवाना पड़ता है, जिसका चार्ज उस वक्त $400 था। क्योंकि कैथरीन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए रिन्यूअल नहीं करवाया। विकिपीडिया ने फिजेट स्पिनर का आविष्कार कैथरीन को बताया तो कैथरीन ने यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनको इस आविष्कार के बारे में बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हुए, तो फिर कैथरीन ने इस आविष्कार के बारे में सबको बताया। फिजेट स्पिनर्स का इतना डिमांड रहने के बाद भी 62 ईयर्स की कैथरीन एक छोटे से घर में अपना गुजारा कर रही है। कैथरीन का कहना है कि वो ये देखकर खुश है कि उनका आइडिया सच में काम करता है। अब इस फिजेट स्पिनर को बेचने वाले ये बोलकर बेच रहे हैं कि ये स्ट्रेस रिलीविंग टॉय है और इसे ADHD, ऑटिज़म, एंग्जाइटी जैसे बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ इसे नहीं मानते। स्कूल्स में भी कुछ टीचर्स का कहना है कि ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है और कुछ टीचर्स का कहना है ये स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। कुछ दिन पहले कैथरीन ने भी फिजेट स्पिनर को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और कैथरीन एक आईफोन ऐप पर भी काम कर रहे हैं। तो ये था फिजेट स्पिनर के आविष्कार के बारे में। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।